हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य वगैरह हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग 3 पार्ट मैं इसके पहले कम्प्लीट करा दिया हूँ, तो पिछले क्लासेस को आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। 30 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे और 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन है हमारा, सिंधूर जो नदी है, सिंधूर नदी ये आपके कौन से हमारे राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरने वाली नदी, सिंधूर नदी सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव या सीता नदी। इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका सेमरसोत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिए, यहाँ पे आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, कई ऑप्शन यहाँ पे आपका मतलब ये आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो जो जो आप जानते हैं मतलब पूरा ईमानदारी के साथ आपको आंसर सोचना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपका जितना स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में मेरे को स्कोर बताइएगा। तो सिंधूर नदी कौन से अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो आपका सेमरसोत, याद रखिए सेमरसोत आपका जो अभयारण्य है ये आपके कौन से जिले में स्थित है, तो आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1978 में इसकी स्थापना किया है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, तो लगभग 430 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कौन सा वन्य इसमें जीव पाया जाता है सेमरसोत में, तो आपके नीलगाय जो इसमें पाई जाती है इस वन्य जीव, तो इसको याद रखिए। इसमें खास करके जो दर्शनीय जो पर्यटन स्थल है पवई जलप्रपात, ताता पानी, ये सभी आपके बलरामपुर जिला में है। तो ये आपका ताता पानी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिए, तो इसका जो सेमरसोत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताता पानी जो नामक गर्भ जल का स्त्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक है, बादलखोल, सेमरसोत, उदंती या गुमरदा। जस्ट मैं अभी बताया हूँ, तो आपका जो है सेमरसोत में है। सेमरसोत आपके कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके बलरामपुर जिले में, बाकी इसको बता चुका हूँ। तो आपके कहीं से भी एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से अभ्यारण्य में आपका जो ताता पानी जो गर्म जल है अभ्यारण्य में कहाँ पे है या कौन से जिले में, ऐसा करके कहीं से भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब आपको पता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवझेरिया नामक जो मंदिर है ये आपके किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, अचानकमार में, बारनावपारा, तमोर पिंगला या आपके उदंती में। तो देवझेरिया जो मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, ये आपके कौन से मतलब यहाँ पे कौन से अभयारण्य में स्थित है, तो आपके तमोर पिंगला, सी ऑप्शन, तोमर पिंगला कहा जाता है इसको। तो ये आपके कौन से जिला में स्थित है, तो आपके सूरजपुर, तो आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। तपोर पिंगला जो वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब किया गया है, तो 1978 याद रखिएगा, तो 1978 में इसकी स्थापना किया है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अभ्यारण्य, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन से वन्य जीव, तो नीलगाय, बाघ वगैरह इसमें पाई जाती है। और ये आपके राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये आपके सबसे अभ्यारण्य है, जिसको याद रखिए। तो आपके सूरजपुर जिले में तिमोर पिंगला आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जो नदी है राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है, भैरमगढ़ से, भोरमदेव से, गोमर्दा से या आपका तिमोर पिंगला से। इसका करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भैरमगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती जो नदी है, याद रखिए इंद्रावती जो नदी आपके कौन से वन्य जीव अभयारण्य से प्रवाहित होती है, तो आपके बीजापुर से या आपके अभयारण्य से होकर बहती है, तो इसको याद रखिए। भैरमगढ़ जो यहाँ पे बात करूँ भैरमगढ़ की, ये आपका स्थापना कब किया गया था, तो 1983 में स्थापना किया है। 265 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये आपके वन्य जीव भैरमगढ़, ये आपके बीजापुर जिला में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया था, 1978 की स्थापना किया गया है। ये आपके प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बीजापुर जिला में स्थित है,
1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात करूँ तो 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। प्रमुख जीव इसमें बाघ टाइगर के लिए इसको जाना जाता है, और साथ ही साथ इसमें कुटरू गेम सेंचुरी जो बना हुआ है इस राष्ट्रीय उद्यान में, इसको याद रखिएगा। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभयारण्य बोल रहा हूँ मैं, तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर है, बीजापुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के में इसको लागू किया गया, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका बीजापुर ज़िले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य है। ये आपके CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब भी बता दिया था, छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभयारण्य है और प्लस 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। तो टोटल इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग के पहले पार्ट में जब पढ़ा रहे थे, तो इसका बेसिक जो फॉर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका वन भैंसा का जो घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे वन भैंसा यहाँ पे आपका पाया जाता है। बाकी इसकी स्थापना की बात करूँ, 1978 में स्थापना किया गया है, बीजापुर जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो 2002 में, 2003 में, 2004 में, या आपके 2005 में। तो अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको कब इसको घोषित किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना पूछे तो 1975 लेना है, रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कब किए गए, तो 2005 लेना है, न कि 1975। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये आपके 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपके 14 क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है अचान कमार, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके मुंगेली ज़िला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी। यह क्षेत्र राज्य के कौन से ज़िले में स्थित है। ये आपके PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, कोरिया, सरगुजा, कोरबा या जसपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जिला, जिसको हम ऊर्जाधानी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके तहत लेमरू हाथी रिजर्व के लिए इसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको मान्यता दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका कोरबा सिटी में इसको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया है। 1960 में, 1975 में, 1980 में या 1981 में। तो इसका जो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट मैं बताया अभी 1975 में इसको इस वन्य अभयारण्य को या आपके अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया 1975 में। 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपके कौन से जिला में है, तो आपके मुंगेली में स्थित है, याद रखिएगा। 1975 में स्थापना की है। और अचान कमार जो अभयारण्य है ये आपका देश का कौन से क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपका 14 क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, और 2005 में इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य को लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया था। अप्रैल 2006 में, 2008 में, 2009 में या आपके 2008 आपके तीस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तो सन 2008 में। ये आपके जो अचान कमार जो अभयारण्य है आपके मुंगेली जिला में स्थित है। तो ये आपके जो माउस डियर पहले देखा जाता था, लेकिन ये आपके लुप्त के कगार में आ चुके हैं। तो ये आपके 2008 में लास्ट बार आपके अचान कमार अभयारण्य मुंगेली में यहाँ पर इसको देखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभयारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। अचान कमार और सेमर सेत को, बादरखोल और तिमोर पिंगला को, या आपके सीता नदी पामेड़ को, या भोरमदेव वो आपके भैरमगढ़ को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बादरखोल और आपका तिमोर पिंगला, इन दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने, सॉरी भारत सरकार ने यहाँ पे इन दोनों अभयारण्य को जैविक प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए इसको मान्यता दी है। मतलब ये हाथियों के लिए इसको संरक्षित करने के लिए इसको मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त के श्रेणी में इसको रखी गई है, बाघ, वन भैंसा, काला हिरण या आपके डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो आजकल देखेंगे तो सभी जीव जंतु हैं लगभग उलुप्ति के कगार पे हुए हैं, तो बाघ, वन भैंसा, काला हिरण ये सभी आपके संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखी गई, बहुत ही कम आपको देखने को ये सब जीव जंतु मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था या इसको पहले कहा जाता था, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1981 में इसको यहाँ पे स्थापना किया गया था। इसका पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अब इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको बोला जाता है। लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो कोरिया और सूरजपुर में आपके दोनों के बीच में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, नील गाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह सभी, लगभग सभी प्रकार के आपके जीव जंतु इसमें पाई जाती है। और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको अब जाना जाता है, पहले से इसको संजय गांधी के नाम से इसको जाना जाता था। और वर्ष 2002 की बात है, 2002 में इसको नाम को चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते के सोन कुत्ता जो जीव है खास करके इस मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है, बारनवापारा, सीता नदी, उदंती या आपके पामेड़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य में, ये खास करके सोन कुत्ता जो जीव इसमें पाई जाती है। याद रखिए उदंती जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया है, लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन से नदी बहती है, तो उदंती नदी बहती है, जिसके कारण इसको उदंती नदी उदंती अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, तो जिसे गोदना जलप्रपात ये आपका स्थित है। इसको 2009 से इसको टाइगर रिजर्व रूप में शामिल किया है। सन 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो सोन कुत्ता आपके उदंती नदी में इसको पाई जाती है, और इसमें मोर वगैरह वन भैंसा वगैरह भी आपका पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा उदंती नदी इसमें बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, गौर पक्षी, बारनवापारा, पामेड़, भैरमगढ़ या उदंती में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनवापारा, याद रखिएगा ये आपके बलौता बाजार में स्थित है, तो ये आपके इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गौर। 1976 में इसकी स्थापना किया है, 245 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसको बीच कौन सा बल्लमदेव जो नदी आपके गुजरती है, जिस जहाँ पे आपका सात देवधारा, याद रखिए सात देवधारा जलप्रपात आपके यहीं पे स्थित है, तो इसको याद रखिए। तुरतुरिया आश्रम वगैरह लवकुश के जन्म स्थल भी इसको कहा जाता है, सभी आपके यहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल कौन से वन्य अभ्यारण्य में है, तो आपके बारनवापारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सा नहीं है, तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, तीन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन अक्सर लास्ट को एक बार है और नहीं, असत्य सत्य को एक बार अच्छे से रीड करिएगा, एक से दो बार पढ़िएगा, आंसर सही होना चाहिए कहने का मतलब है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो आपका जो भोरमदेव है आपके राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, आपके अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिए। बाकी इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास ये सभी आपके राष्ट्रीय उद्यान है, आपके भोरमदेव आपका अभ्यारण्य है, याद रखिए भोरमदेव अभ्यारण्य है। ये भोरमदेव मंदिर के नाम पे इसको नामकरण किया गया है, और इसको 2001 में इसकी स्थापना किया गया है। कहाँ पे स्थित है भोरमदेव, तो आपके कवर्धा जिले में स्थित है। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आपके छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है आपका भोरमदेव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवधारा नामक जो जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, इसको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कौन सा किस में पढ़ाया था। तो सात देवधारा
या इसको देवधारा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो सात देवधारा या देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? बार नवापारा में, सीता नदी में, बादलखोल में या आपके अचानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बार नवापारा में, आपको पढ़ाया था। तो बार नवापारा में ही आपका जो है, जो बार नवापारा जो अभयारण्य के बीचों बीच एक तो नदी बताया था मैं आपका बल्लमदेही नदी, ये आपके नदी गुजरती है जिसमें आपका जो सात देवधारा जो जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिए, तुरतुरिया आश्रम, लवकुश का जन्मस्थली या आपके इसको कहा जाता है, लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बार नवापारा आपके बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है और यहाँ पे शाकाहारी खास करके जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, सांप वगैरह इसमें सबसे मात्रा में, यहाँ पे अधिक मात्रा में इसको मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, शायद एक दो पार्ट और आएगा तो आप ख़त्म हो जाएगा, फिर नए चैप्टर से हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया और कितना आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है, उस पर बढ़िया काम कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है तो उसको बढ़िया तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।